प्लेयर्स एड्रेसिंग द मीडिया टुडे. अलोदीप सी, आपका आज काफ़ी अच्छा बैटिंग रहा है, पर जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था. तो आप ज़रा आपके बैटिंग के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, स्पेशली आपकी जो पार्टनरशिप रही है हरलीन के साथ. जब मैं और हैरी खेल रहे थे तो यही हम लोगों ने बीच में बात कर रहे थे कि हर ओवर में यू नो एक या दो बाउंड्री आने से हम और क्लोज लेके जा सकते हैं गेम को. तो यही बात चल रही थी और मैं पहले से खेल रही थी तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा हिट करके खेलूं, बिकॉज़ जो सामने वाला जो बैट्समैन है एटलीस्ट इफ़ मुझे वो एक रन देगा तो मैं चार्ज कर सकती हूँ. तो ये चल रहा था हमारा माइंड सेटअप. जो 146 का स्कोर था, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आपकी टीम और ज़्यादा स्कोर बना सकती थी कि 146 वाज गुड ये पिच के लिए? एक्चुअली विकेट थोड़ा सा स्लो और लो आइडियली रहता है, बट आज का विकेट अच्छा था, अच्छा बैट पे बॉल आ रहा था. कहीं ना कहीं एक दो बॉल नीचे लो रह रहा था, तो आइडियली अच्छा स्कोर था ये चेस करने के लिए. तो बट कोई नहीं, लास्ट में यू नो हम जितना क्लोज लेके गए वो अच्छा था. पार्टनरशिप वाइज देखो या ओवरऑल अच्छा किया. हार जीत तो वो तो गेम का एक वो है, कोई भी एक टीम जीतना है. सो दैट क्या आप लोगों का जो पिछला गेम था वो काफ़ी अच्छा रहा था, इसकी वजह से आज का रिजल्ट आपके लिए थोड़ा आसान था. आप लोगों को चाहिए था कुछ 40 रन फाइनल्स में जाने के लिए. ये डिस्कस हुआ था प्री गेम या ड्यूरिंग द गेम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि हमें बस जस्ट चेस करना है जो टारगेट है एंड हमें ये मैच जीतना है. ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गए हैं सो हम कोई सा ये मैच लूज लें, ऐसा कुछ नहीं था. बैक ऑफ द माइंड यही था कि बस हमें ये वाला मैच जीतना है एंड जस्ट फाइनल भी. सो बस अभी यही सोचा था हमने. आपका प्रेपरेशन क्या था प्री टूर्नामेंट और कितना डिफिकल्ट था शारजा के पिच कंडीशंस में एडजस्ट करना? ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद में मैंने बहुत वर्क किया अपने यू नो लॉफ्टेड शॉट्स पे, और जो इनसाइड आउट शॉट है उस पे मैंने काफ़ी वर्क किया. सो आज मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकी. तो ऑब्वियसली विकेट थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से, बिकॉज थोड़ा सा लो एंड स्लो है. तो बट विकेट का उतना मेरे को नहीं लगता कि उतना मैटर करना चाहिए, जस्ट वॉच करके एंड हिट द बॉल, दैट्स इट. आपका आखिरी सवाल, आप सुपरनोवास को वापस खेलेंगे दो दिन में फाइनल्स में, आपका फोकस एरिया क्या रहेगा टीम के लिए? जहाँ पे यू नो हमने जो भी स्मॉल मिस्टेक्स किए हैं, जहाँ पे लाइक फील्डिंग बॉलिंग, जहाँ मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में करी है, हम नेक्स्ट मैच में फाइनल में हम अच्छा अपना यू नो अप्लाई करेंगे जो हमारे कल का प्रैक्टिस सेशन है, और हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी असली मिस्टेक्स स्मॉल हुई हैं वो फाइनल्स में ना हो. थैंक यू सो मच दीप्ति और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल्स. थैंक यू. थैंक्स. Addressing the media for Supernovas. Firstly, congratulations on a fantastic win. Shakira, it must be a relief for getting over the line, especially since the match got so close. Can you talk us through the discussion at the mid innings and the bowling plans to defend 147? Yeah, firstly, thank you. Feels really good to be able to reach the finals. Obviously, Supernovas are known for losing the first game and then winning the competition, so hopefully we can repeat that. Mid-innings, our captain just asked us to bowl really straight at the stumps. We knew we had to attack the stumps and just try to defend one side of the field. How has your experience been so far in the tournament and how useful was it for you to have already played in England in September? Firstly, it's been a really great experience. I'm really happy to be playing in these times. I think we are all grateful that we can be playing during these times. Also, I think England helped. Obviously, the West Indians and the English here would have an advantage over the others, but the Indians are and the other overseas players have been playing pretty well. This was a do or die game for the team, and having lost a close one on the fourth, how was the mood in the camp pre-game today? We were still confident. We knew where we went wrong in the last game.
and we just knew that we needed to come out and correct that. Obviously, we had a really good start with Rabat, and that gave us the momentum going into the field and the confidence that we could defend this total. There was good batting display today overall. What was the advantage of winning the toss, and was the plan to go aggressive from the start to build the partnership, especially having seen how Trailblazers bowled against Velocity the other day? Honestly, our plan was just to play each ball one at a time. I thought Atapatu was really good with the bat, and Priya played a really good supporting role for her, and we just played each ball on its merit. Atta realized that the ball was coming on, and she got off to a really good start. You're playing the same team in the finals. What would the team's focus be on, especially in terms after the game today? We're going to focus on their main batters, but obviously they have some depth in their batting lineup. We saw that today, being able to take it down to the wire. I think it's really crucial that we try to limit their captain and DeAndre. If we can get them early, then we can put pressure on them. Also, if we can get our outstanding batters to bat for majority of the overs, then it should be a good game come 2 days from now. Thank you so much, Shakira, and best of luck to the finals. Thank you.